नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम समय के बाद मोहम्मद मुइजू ने भारत सरकार से उनके देश से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध कर दिया। बता दें कि इस बीच हांगकांग आधारित अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की वेबसाइट पर इस शीर्षक के साथ एक खबर भी लगाई गई कि मालदीव को अपने नए चीन अनुकूल राष्ट्रपति के साथ निवेश में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि बीजिंग अवसर का लाभ उठाना चाहता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भारत की सेना को हटाने के लिए मालदीव चीन से क्या कुछ लेगा और क्या ऐसा मौका ड्रैगन छोड़ेगा। दरअसल चीन से मालदीव क्या लेगा ये भी आपको बता देते हैं। बता दें कि मुइजू को व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मालदीव को इस हफ्ते एक चीनी विशेष दूत की मेजबानी के बाद ऊर्जा बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं में चीन से ज्यादा निवेश की उम्मीद भी जताई जा रही है। मालदीव के एक राजनयिक ने कहा कि देश ने बीजिंग के अनुकूल राष्ट्रपति का स्वागत किया है। दरअसल हांगकांग बेस्ड मानद उप वाणिज्य दूत विजय हरिलाला ने गुरुवार को पोस्ट कर बताया था कि मालदीव के विनेश एजेंडे में नवीनीकरणीय ऊर्जा शीर्ष पर बात होगी, क्योंकि ये एक पर्यटन हॉटस्पॉट है जो कम प्रदूषण के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान हरिलाला ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में आगे सहयोग की संभावना है, क्योंकि मालदीव का लक्ष्य 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का है। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में चीन की विशेषता मालदीव में और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में योगदान दे सकती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मालदीव चीनी निवेशकों को होटल्स और रिजॉर्ट के विकास, वाटर सपोर्टर्स, पर्यावरण, पर्यटन और ट्रैवल एजेंसियों में अवसर देगा। कहा कि मत्स्य पालन, कृषि, रियल एस्टेट, परिवहन और लॉजिस्टिक्स भी विदेशी निवेश के लिए खुले हुए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार मालदीव को चीन का निर्यात 2020 से 2022 तक 59% बढ़ाया गया, जब कुल शिपमेंट 438.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। फिलहाल ये भी बता देते हैं कि हालांकि मामले में किरेन रिजिजू और मुइजू के बीच बैठक के बाद सूत्रों ने कहा है कि भारत और मालदीव द्वीप राष्ट्र की ओर से भारतीय सैन्य मंचों का उपयोग जारी रखने जाने के लिए व्यवहारिक समाधान पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि चर्चा के बाद क्या फैसला होता है।